राज्यसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में चल रही कांग्रेस की बाड़ाबंदी में शनिवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ दो मंत्री और तीन विधायक उदयपुर पहुंचे। कांग्रेस के नेता विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे, जिसमें मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और कांग्रेस के अमीन कागजी, रीटा चौधरी शामिल है। वहीं कांग्रेस अपने बाड़ी में निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा को लाने में भी सफल हुई है। उदयपुर पहुंचने पर गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर तीनों सीटों पर जीत का दम भरा और बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। दो तीन दिन प्रशिक्षण शिविर रखेंगे और उसके उपरांत राज्यसभा में तीनों सीट हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं होते हुए भी नाम निर्दलियों का ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 10 के 10 एमएलएज ने, सदस्यों ने उनके फार्म के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। एक भी निर्दलीय उनके साथ में नहीं है। कांग्रेस के सारे 108 हमारे साथ में हैं। बीटीपी का समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है, सबका साथ में है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की हमेशा से प्रजातंत्र का गला घोंटने की, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने की आदत बनी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग उनका एक तरीके से मूल एजेंडा हो गया है। आप समझ सकते हो कि जब बहुमत नहीं ये तर आदमी है उनके पास में, तो उसके बावजूद दूसरा उम्मीदवार उतारने का कोई मतलब ही नहीं होता। जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें जो कानून बनाया गया है वो यही है कि जिस दल का बहुमत होता है उस दल का दिखा करके वोट देते हैं। तो अब उनके पास में कुछ सामान बचा ही नहीं। अभी भी समय है, उनको सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करना चाहिए कि हमसे भूल हुई और हमने फार्म भरा, तो जिससे लोकतंत्र की साख बची रहे, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बट्टा लगाने पे तुली हुई है। मैं समझता हूँ कि हम 101% जीतेंगे। गुड गवर्नेंस हमारी है, अच्छे काम हो रहे हैं। 2023 में पुणे कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी, 2024 में मोदी सरकार का सूपड़ा साफ होगा, एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है। इस दौरान डोटासरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के घर छोड़ने वाले बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि घर तो बीजेपी ने छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी खड़े करने की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी को प्रस्तावक बनाकर समर्थन दिया है। पंजाब के सी टीवी के लिए रौनक पारिक की रिपोर्ट।